एक तरफ तो खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को लेकर भारत और कनाडा के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है, वहीं एक बार फिर से ट्रूडो ने वही आरोप दोहराए जो उन्होंने पहले भारत पर लगाए थे कि भारतीय एजेंट्स का हाथ हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में शामिल था। भारत ने पहले भी इन आरोपों का खंडन किया, लेकिन एक और ऐसी बात हरदीप सिंह निज्जर की हत्या से जुड़ी ट्रूडो ने कही जो शायद किसी के गले से नहीं उतरेगी। ट्रूडो ने कहा कि कुछ हफ्ते पहले ही हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को लेकर तमाम जानकारी कनाडा ने भारत सरकार के साथ साझा की थी। वहीं भारत ने सोमवार को ट्रूडो की घोषणा से पहले कनाडा से आरोपों के संबंध में कोई भी जानकारी प्राप्त करने के दावों का बार बार खंडन किया है। कनाडा के पीएम ट्रूडो ने कुछ वक्त पहले कनाडाई संसद में यह आरोप लगाया था कि भारत सरकार के एजेंट्स का मारे गए प्रतिबंधित खालिस्तानी टाइगर फोर्स के प्रमुख हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में हाथ है। प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के आरोपों के तुरंत बाद कनाडाई सरकार ने भी एक शीर्ष भारतीय राजनयिक को निष्कासित कर दिया। दूसरी ओर भारत ने कनाडाई संसद में दिए गए ट्रूडो के बयानों का खंडन भी किया और कनाडा में हिंसा की किसी भी कृति में भारत सरकार की संलिप्तता के आरोपों को बेतुका और प्रेरित माना। बता दें कि निज्जर भारत में मोस्ट वांटेड आतंकवादियों में से एक था। उसके सिर पर 10 लाख रुपए का इनाम तक था। 18 जून को कनाडा में ब्रिटिश कोलंबिया के सरे प्रांत में गुरुद्वारे के बाहर दो अज्ञात हमलावरों ने उसकी गोली मारकर हत्या कर दी थी। हालांकि कनाडा ने अभी तक मामले को लेकर कोई सार्वजनिक सबूत उपलब्ध नहीं कराए जो निज्जर की हत्या में भारतीय संलिप्तता के ट्रूडो के आरोप का समर्थन करते हों। सरकारी सूत्रों का हवाला देते हुए कनाडाई मीडिया रिपोर्ट में यह कहा गया कि ओटावा के आरोप मानव और सिग्नल इंटेलिजेंस और 5i इंटेलिजेंस नेटवर्क के एक सहयोगी के इनपुट पर आधारित हैं। इतना ही नहीं, कनाडा की विपक्षी पार्टियों ने भी ट्रूडो से सबूत की मांग की है। हालांकि ट्रूडो ने एक बार फिर से आरोपों को दोहराते हुए कहा कि हमें और भारत को इस पर मिलकर काम करना चाहिए और भारत को इस बारे में पहले से ही जानकारी दे दी गई थी। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। तमाम देश दुनिया की खबरों के लिए लोकमत हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।